प्रदर्शनों का दौर पूरे देश भर में लगातार जारी है। सीधे रुख करेंगे बंगाल का, यहां की राजधानी कलकत्ता में ममता बनर्जी ने सरकार पर दरअसल निशाना साधते हुए, देखिए ये विरोध मार्च निकाला है उसी कानून को लेकर जिस कानून के चलते देश भर में बहुत सी प्रदर्शन सामने आ रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत अब कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने मोर्चाबंदी कर दी है और साफ तौर पर यह कह दिया कि यह कानून लागू नहीं होगा, असंवैधानिक उसे करार दिया है। उसमें से एक राज्य बंगाल भी, जिसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त सड़कों पर और हजारों की तादाद लोगों की उनके पीछे विरोध में इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी वो इशारा करती रही थी, बार बार बोलती रही थी, राज्यसभा लोकसभा में भी हमने देखा कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से मुखालफत में थी इस बिल के, लेकिन कानून पास होने के बाद भी दोनों सदनों से एक्ट बन जाने के बावजूद भी ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि वो राज्य में CA और NRC लागू नहीं होने देगी। इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है ममता बनर्जी और उनके पीछे हजारों की भीड़, और यह भी बात सच है कि बहुत अच्छी खासी हिंसा की जो झड़पें हैं ज्यादातर बंगाल में ही देखने को मिली है। आसाम में भी जरूर आग लगी, लेकिन ज्यादा घटनाएं रेलवे में तोड़फोड़ की घटनाएं, ये बंगाल से तस्वीरें लगातार आती रही, चाहे वो सियालदह हो, आसनसोल हो और कई इलाके मुर्शिदाबाद हो, वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती रही जिनसे पता लग रहा था कि विरोध प्रदर्शन का सिलसिला रफ्तार पकड़ सकता है बंगाल में। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने विरोध को अंजाम दें, और आज वो खुद ही सड़कों पर उतर आई हैं इस कानून को लेकर। तो लगातार पूरे देश की अगर बात की जाए तो इस कानून को लेकर स्थितियां जो है वो नाजुक हो रही है। हालांकि आसाम में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला देखने को मिला था, लेकिन वहां की सोनोवाल सरकार का दावा है कि धीरे धीरे वहां सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। यही हाल त्रिपुरा के हैं, वहां पर भी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला हुआ, लेकिन अब रफ्तार जो है विरोध प्रदर्शनों की अच्छी खासी थम सी गई है। लेकिन अब देश के दूसरे हिस्सों में यह चिंगारी सुलगती हुई नजर आ रही है। मसलन उत्तर प्रदेश का माहौल जो है, या कुछ इलाकों में प्रदर्शन हुए हैं जिसमें हिंसक प्रदर्शन भी थे, हालांकि पुलिस ने वहां स्थितियां संभाल ली। लेकिन कल दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ स्टूडेंट्स का, जामिया मिलिया के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो सड़कों पर उतरे थे, संसद तक मार्च करना चाहते थे, पुलिस ने उन्हें बैरिकेटिंग करके रोका, उसके बाद पथराव शुरू हो गया, और उसके बाद लगातार पूरे दिन हमने देखा कि किस तरीके से तस्वीरें सामने आती रहीं। 3 से 4 सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया गया, इसके अलावा और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया, और फिर पुलिस ने जब कमर कसी तो पुलिस उन्हें खदेड़ती हुई हॉस्टल के अंदर जा घुसी, वहां बच्चों के साथ थोड़ी तशद्दुद देखने को मिली, बच्चों पर लाठियां बरसाई भी गईं, यहां तक कि लाइब्रेरी में जहां पढ़ रहे थे बच्चे वहां तक पुलिस पहुंची। हालांकि बात कुल मिलाकर यह समझ आ रहा है जामिया मिलिया की अगर बात की जाए तो वहां पर आसपास के रिहायशी इलाके के कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने उसमें शामिल होकर पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, और यही वजह रहा कि स्टूडेंट के हाथ से स्थितियां निकल गई। लेकिन पुलिस और स्टूडेंट्स के गुट में लगातार नोकझोंक होती रही, और अब देखिए तस्वीर दूसरी ओर से बंगाल से ही आ रही है तस्वीर। बंगाल के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब के मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं, कांग्रेस शासित दोनों राज्य बंगाल, माफ कीजिए मध्य प्रदेश और पंजाब, वो भी कह चुके हैं कि वो इस कानून को लागू नहीं करेंगे, और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। कब तक इस मामले की सुनवाई होगी, कब तक ये बात साफ हो पाएगी कि संवैधानिक आधार पर ये बिल, ये कानून पुख्ता उतरता है या फिर संविधान के मानकों का पालन नहीं करता है, उसके बाद ही स्थितियां साफ हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता की सड़कों पर, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उतर आई हैं। किसी भी हाल में CA कैब और NRC मंजूर नहीं है,
ये बात पहले भी कहती रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो बात अलग है कि 2003 में खुद ही संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि लगातार घुसपैठियों का कड़ बनता जा रहा है, बंगाल 70 से 80 लाख घुसपैठिए बंगाल में इस वक्त हैं। तो कोलकाता में ममता बनर्जी का विरोध मार्च आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें कोलकाता से। तो कोलकाता में ममता बनर्जी विरोध पर उतरी हैं और उनके साथ हजारों की भीड़ भी सड़कों पर इस वक्त, ना सिर्फ कोलकाता में बल्कि बंगाल के कई और इलाकों में भी लगातार विरोधों का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध हो रहा है बल्कि हिंसक विरोधों की तस्वीरें भी लगातार बंगाल से आ रही हैं। हालांकि कल ममता बनर्जी ने अपील की थी कि अपना जो भी वो विरोध करना चाहते हैं लोग, उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। कल कई जगह इंटरनेट शटडाउन भी किया गया बंगाल में, और जरूरत इस बात की क्योंकि लगातार अफवाहें भी पैर पसार रही थी, अफवाहों को रोकने के लिए यह जरूरी था। लेकिन तस्वीरें ऐसा नहीं है कि बंगाल से, बंगलुरु से भी हमने तस्वीरें देखी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नदवा कॉलेज की जो तस्वीरें सामने आई जिसमें पुलिस और जो आंदोलनकर्ता थे वो आमने सामने आ गए। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि महज कुछ सेकंड ही पत्थरबाजी हुई, उसके बाद पुलिस ने पूरी स्थितियों को कब्जे में ले लिया, पूरी स्थितियों को सामान्य कर दिया गया। हालांकि बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी तक केंद्र के किसी शीर्ष नेतृत्व से जामिया मिलिया को लेकर या देश भर में जो कुछ चल रहा है फिलहाल बड़े स्तर पर, हिंसक स्तर पर या शांतिपूर्ण तरीके से जो भी ये प्रदर्शन चल रहे हैं उनको लेकर कोई खास प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं। तो पुलिस या फिर केंद्र सरकार कहें तो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि किस तरीके से इस पूरे माहौल को शांत किया जाए और उसके बाद अपनी बातों को रखा जाए। क्योंकि आज अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है अमित शाह ने, लेकिन उन्होंने इन स्थितियों का जिक्र नहीं किया लेकिन शौर्य दिवस का जिक्र किया। 1971 में जो जंग हुई थी जिसमें के भारत ने बांग्लादेश बनाने में सहयोग किया था, उस बात का उन्होंने जिक्र किया है, अपने सैनिकों की वीरता का जिक्र किया है, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई उस पर कोई खास जिक्र नहीं किया गया।